कोरोना से निमटने के इकदाम, पंजाब हुकूमत ने घर पर आइसोलेशन के लिए SOPs तैयार कर लिए, मुनासिब वक्त पर निफास किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काला शकाकू GC यूनिवर्सिटी कैंपस में कायम कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल का दौरा किया, आवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील भी की। पंजाब की वजीर शहर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने काला शाकाकू GC यूनिवर्सिटी कैंपस में कायम कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने नए कायम किए गए 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल में कोरोना वायरस के कंफर्म मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। GC यूनिवर्सिटी और एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ने सूबाई वजीर को फील्ड अस्पताल में मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली हंगामी सूरतेहाल से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला 14 अप्रैल के बाद किया जाएगा। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। जनूबी पंजाब की निस्बत शिमाली पंजाब की जानिब कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। हुकूमत कोरोना वायरस की मौजूदा सूरतेहाल में भी फूड सप्लाई जारी रखे हुए है। पंजाब भर में 40 से ज्यादा कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। हुकूमत कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वाले मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की बहाली के लिए इकदाम उठा रही है। न्यू अस्पताल में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं।